Hello. Good morning, students. Welcome to my channel. Today, in this video, we are going to do exercises and question answers of poem A Pocket Full of Sympathy of your book Communicate with Cambridge. Let's start. This is given on page number 15, exercise A. Choose the correct options. Read the poem again. Then check your own answers. Now, first is what can some sympathy do? And the correct answer is A. Stop a scratch from stinging. Question B. What does a pocket full of sympathy cost? And the correct answer is option B. Absolutely nothing. Next, we are going to do exercise B.

एक पॉकेट फुल ऑफ यानी थोड़ी सी सहानुभूति आपके आंसुओं को रोक सकती है और दर्द को कम कर सकती है क्वेश्चन नंबर टू हाउ इज सिंपथी वंडरफुल सिंपथी वंडरफुल अद्भुत कैसे है आंसर इज सिंपैथी इज वफुल बिकॉज इट कैन टेक अवे द स्टिंग ऑफ स्क्रैच एंड दूसरी सहानुभूति अद्भुत है क्योंकि ये थोड़ी सी खरोच को चोट बनने से रोकती है और साथ ही साथ गुरमे की चोट के दर्द को खत्म कर देती है नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइज सी थिंक कैन आंसर क्वेश्चन नंबर वन इज वाई ड स्पीकर कम्पेयर सिंपथी विद प्लास्टर हाउ आर दू सिर पोएट या प्लास्टर से क्यों कंपेयर करता, करता है और ये दोनों कैसे समान है आंसर इज सिंपथी इज लाइक प्लास्टर बिकॉज इट टेक्स अवे द पेन एंड ही प्लास्टर की तरह है क्योंकि ये दर्द को हर लेती है दर्द को गायब कर देती है और जैसे प्लास्टर चोट को ठीक करता है ऐसे ही वो उसकी तकलीफों को ठीक कर देती है कम कर देती है क्वेश्चन नंबर टू हाउ डू यू लीव बिहाइंड मोर सिंपथी वेन यू शो सिंपथी टू समन जब आप किसी के प्रति सिंपथी दिखाते हैं तो आप पीछे और ज्यादा सिंपैथी कैसे छोड़ देते हैं आंसर इज सिंपैथी शोन टू अदर्स हेल्प्स अस विन देयर हार्ट्स जब हम किसी के प्रति सहानुभूति दिखाते हैं तो ये उसका दिल जीतने में हमारी सहायता करती है एंड आल्सो मेक देम फील द सेम फॉर अस और वो भी हमारे लिए ऐसा ही महसूस करते हैं सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल इन दिस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज a b and c of this poem i hope you have understood if you like the video then don't forget to press on like share this video with your friends and classmates and don't forget to subscribe my channel see you soon till then bye-bye have a good day